आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, सांसारिक कामों से विश्राम लेने का दिन मरणशील मनुष्य के लिए अपना उल्लू सीधा करने के निमित्त से सर्वशक्तिमान के साथ समझौता करना भारी गुस्ताखी है। सबत के दिन को कभी कभी सांसारिक कारोबार में उपयोग करना व्यवस्था का इतना निर्दयता से उल्लंघन करना है जितना उसको कतई तौर पर रद्द करना है, क्योंकि इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा को सुविधा की बात बनाई जाती है। सिनै पर्वत से यह गर्जन हुआ था, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। अधूरा आज्ञा पालन तथा विभाजित दिलचस्पी को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह कहता है कि जो मुझसे बैर रखता है पितरों के पापों का दंड उनके बेटों पोतों और परपोतों को दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। पड़ोसी को लूटना मामूली बात नहीं है, और जो कोई ऐसा क्रिया करने से दोषी ठहरे उस पर महान कलंक लगता है। तो भी जो कोई अपने भाई को दुखा देगा वह निर्लज होकर अपने स्वर्गीय पिता के समय की चोरी करता है जिसे उसने आशीर्वाद देकर विशेष कर नियुक्त किया है। शब्दों तथा विचारों को बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। जो सबत के दिन लेन देन के मामलों पर बातचीत करते और योजना बांधते हैं उनको परमेश्वर ऐसा समझता है मानो वे सचमुच कारोबार में संलग्न है। सबत को पवित्र रखने के लिए हमें अपने विचारों को सांसारिक विषयों पर केंद्रित नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है और उसका मतलब है कि मनुष्य माने वह नहीं पूछता कि जब यह तुम्हारे लिए सुविधाजनक हो तब तुम करना। जीवन व महिमा के प्रभु ने अपनी सुविधा व आराम का ख्याल नहीं किया जब उसने अपने भाई कमांड का दर्जा त्याग कर दुखी पुरुष और शौक से जान पहचान रखने वाला बन गया और बदनामी और मृत्यु को स्वीकार किया ताकि मनुष्य उसकी आज्ञा उल्लंघन के परिणामों से छुटकारा पावे। इसे मनुष्य को पाप में बचाने के लिए नहीं किंतु पाप से बचाने के लिए मरा। मनुष्य अपने ही युक्तियों पर चलने की भूल को त्यागे और मसीह का नमूना पकड़े, अपनी क्रूस उठाकर उसके पीछे हो ले, आत्मत्याग करे और परमेश्वर की आज्ञाओं का किसी भी मूल्य पर पालन करे। दुनियावी नफे की खातिर परिस्थिति किसी को सबत के दिन काम करने को निर्दोष न ठहराएगी। यदि परमेश्वर एक को क्षमा करता है तो वह सब को क्षमा कर सकता है। अपने रोटी कमाने के लिए क्यों वह सबत के दिन काम नहीं कर सकता जबकि ऐसा करने से वह अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकता है। दूसरे भाई लोग और सबके सब क्यों नहीं सबत को माने जब सुविधा हो। सिनै पर्वत से आवाज आती है, 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। निर्गमन 20:9-10। आपकी अवस्था आपको ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करने से क्षमा नहीं करता। इब्राहिम की वृद्धावस्था में भारी परीक्षा हुई, परमेश्वर के वचन उस बूढ़े जन को अनुचित प्रतीत हुए, फिर भी उसकी प्रार्थना पर कोई संदेह नहीं किया ना आज्ञा पालन से हिचका। वह यह निवेदन कर सकता था कि मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ और अपने पुत्र की बलि नहीं दे सकता क्योंकि वह तो मेरे जीवन का हर्ष है। वह परमेश्वर को याद दिला सकता था कि यह आज्ञा इस पुत्र के विषय में जो वायदे की दिए गए थे उनके विरुद्ध जा रही है, परंतु इब्राहिम की आज्ञाकारिता में कोई चू व चारा नहीं हुई। उसका परमेश्वर पर पक्का व अटल विश्वास था। यीशु के सेवकों को उन्हें झिड़की देनी चाहिए जो सबत को पवित्र मानने को याद रखने में चूकते हैं। उन्हें मेहरबानी और गंभीरता से उनको डांटना चाहिए जो सबत का दावा तो करते हैं पर सबत के दिन सांसारिक बातचीत में लीन होते हैं। उन्हें पवित्र सबत के दिन परमेश्वर की भक्ति को प्रोत्साहन करना चाहिए। किसी मनुष्य को पवित्र समय को अनुचित रीति से व्यतीत करने को स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। सबत मानने वालों को सबत का अधिकांश सोने में व्यतीत नहीं करना चाहिए। यह बात परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाली है। इसे करने से वे परमेश्वर का अपमान करते हैं और अपने नमूने से प्रकट करते हैं कि 6 दिन अधिक कीमती है कि उन्हें विश्राम में व्यतीत किया जावे। उनको रुपया पैदा करना चाहिए, चाहे वह नींद खोकर ही प्राप्त हो, जिससे वे पवित्र समय में सोने से पूरा करते हैं।
वे अपने को ईसा कह के मुक्त मानते हैं कि सबत तो इसीलिए दिया गया है कि आराम करें। उपासना में जाने से मैं विश्राम का नुकसान क्यों उठाऊं? मुझे तो विश्राम ही जरूरत है। इसे लोग पवित्र दिन का अनुचित उपयोग करते हैं। उन्हें उस दिन में विशेषकर उसको मानने पर अपने परिवार को दिलचस्पी दिलानी चाहिए। अधिक लोगों या थोड़े के साथ जैसे भी हालात हो प्रार्थना के घर में इकट्ठा होना चाहिए। उनको अपना समय व शक्ति आध्यात्मिक सभाओं में लगाना चाहिए ताकि वह ऐश्वर्य प्रभाव जो सबात का होता है साथ हफ्ते भर रहे। सप्ताह के समस्त दिनों में भक्ति संबंधी विचारों तथा ख्यालों के लिए ऐसा हितकारी कोई और दिन नहीं है जैसे कि सबत का दिन। अगर लोग सबत के दिन को सादा पवित्रता के साथ मानते या पालन करते रहते तो आज संसार में ना तो मूर्ति पूजक ही होते ना नास्तिक। जिस सबत का स्थापन आदान को बारी में हुआ था वह उतना ही पुराना है जितना संसार है। सृष्टि के आरंभ से जितने कुलपति हुए सबों ने सबत का पालन किया था। मिस्र देश में जब इसराइली दासत्व के बंधन में थे तब उनको बेघर कराने और सबत दिन को तोड़ने के लिए विवश करते थे। उन्होंने सबत दिन को नहीं पालन करने के लिए इतना उन पर दबाव डाला कि अंत में उस दिन की पवित्रता को जो ज्ञान उनके मन में था वह अधिकांश रूप में जाता रहा। जब सिनै पर्वत पर से व्यवस्था की घोषणा की गई तब चौथी आज्ञा का पहला वाक्य घोषित किया था विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इस वाक्य से यह संकेत मिलता है कि सबत उसी दिन स्थापन नहीं हुआ था बल्कि उसको उत्पत्ति के लिए हमें सृष्टि की ओर संकेत किया जाता है। परमेश्वर मानव जाति का सृष्टि करता है। इस बात को उनके मन से मिटा देने और बड़े स्मारक चिन्ह को तहस नहस करने के लिए शैतान कटिबद्ध था। उसका यह लक्ष्य था कि यदि मानव जाति अपने सृष्टिकर्ता को किसी भी तरह भूल जाए तो वह दुष्ट की शक्ति का विरोध करने के लिए कुछ भी प्रयास न करेगी और इस प्रकार शैतान को इस बात को निश्चय हो जाएगी कि मानव जाति उसका शिकार बन चुकी है। सबत मानने की आशीष है। एलन जी व्हाइट को यह दिखाया गया कि जितने चौथी आज्ञा को स्वीकार करके विश्राम दिन को मानते हैं उन पर सबत के दिन में समस्त स्वर्गीय गुणों की दृष्टि पड़ी रहती है और वे उनकी रक्षा करते हैं। जिन्होंने परमेश्वर को अपने अपने हृदयों में भक्ति भाव रखते हुए पवित्र जाना है और जिन्होंने सबत की पवित्र घड़ियों को अपनी योग्यता अनुसार उन्नति की है और सबत को आनंदमय मनाते हुए परमेश्वर का आदर किया है उनको सर्वदूत प्रकाश और स्वास्थ्य के विशेष वरदान दे रहे हैं और उनको विशेष शक्ति भी दी गई। स्वर्ग की मांगों को पूरा पूरा पालन करने से शारीरिक तथा आध्यात्मिक आशीषें प्राप्त होती हैं। क्या ही धनिया है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है जो विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई से रोकता है। परदेशी भी जो इस युवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें और युवा के नाम से वृत्ति रखें और उसके दास हो जाए इतने विश्राम को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वचा को पालन करते हैं उनको मैं अपने पवित्र प्रभात पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित कराऊंगा। यशायाह 56:2-7। जब तक स्वर्ग और पृथ्वी स्थिर रहेंगे तब तक सबत परमेश्वर की सामर्थ्य का चिन्ह बना रहेगा। दिन फिर पृथ्वी पर लहराएगा तब परमेश्वर का पवित्र दिन सूर्य के नीचे रहने वाले लोगों के द्वारा मनिया होगा। विश्राम दिन से विश्राम दिन लोग महिमामय नई पृथ्वी के सारे प्राणी मेरे सामने दंडवत करने आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर आप सबों का आशीष दे। आमीन।